नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है, डॉक्टर बनने का योग, हथेली देख करके कैसे पहचाने कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। जिन लोगों के हाथ में रेखा नहीं है तो वो लोग घबराए नहीं कि मेरे हाथ में रेखा नहीं है, मैं आगे डॉक्टर की पढ़ाई करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो चलिए, आप लोग भी घबराइए नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ हथेली देख करके वैसे कैसे पहचाने कि यह डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी जीवन रेखा होती है और ये हमारी भाग्य रेखा होती है, ठीक है। भाग्य रेखा जब भी निकले तो भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत या बृहस्पति माउंट से निकलती है तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल डॉक्टर बनने के मैं योग पहले सबसे बताऊंगी कि डॉक्टर बनने का योग आप हथेली देख करके कैसे पहचाने हथेली में डॉक्टर का योग है कि नहीं। यहाँ पर ये हमारा मरकरी का माउंट होता है, यहाँ पर ये मरकरी का माउंट है। ये जो मरकरी का माउंट है ये पूरा उठा हुआ होना चाहिए, लालिमा युक्त होना चाहिए, अच्छी पोजिशन पर होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस वगैरह का निशान वगैरह नहीं होना चाहिए मरकरी माउंट में। मरकरी माउंट में यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर तीन लाइनें अगर ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन पर अगर ऐसे खड़ी हैं, यहाँ पर दिख रही हैं हथेली पर, ये फिंगर है मरकरी फिंगर के जस्ट नीचे होनी चाहिए, तीन लाइनें हैं तो अच्छी पोजीशन पर है, कटी फटी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं आगे चल करके। अगर यहीं पर पांच तीन लाइनों की जगह पर यहाँ पर अगर तीन चार लाइनें और देखने को अगर मिलती है, यहीं पर पांच लाइनें या छह लाइनें देखने को मिलती है, तो ऐसे जातक आयुर्वेदिक होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रेखाएं जो है लोगों के हाथ में होती हैं, बट फिर भी वो लोग जो है डॉक्टर के फील्ड में नहीं होते। तो ऐसे जातकों को जो है आयुर्वेदिक से रिलेटेड ज्ञान होता है या दवाइयों का ज्ञान होता है। ऐसे लोगों के पास दवाइयों का भरपूर ज्ञान होता है या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से भी पिछले पूर्व जन्म से रिलेटेड या अपनी पीढ़ी या परिवार से चला आ रहा कोई वैद्य होता है या डॉक्टर होता है, तो उसके वजह से भी उनको ज्ञान होता है, ठीक है। और लेकिन डॉक्टरी लाइन के लिए जाने के लिए मैं मेन तीन लाइनें यहाँ पे जो मैंने बताया है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे जातक जो है सफल डॉक्टर भी बनते हैं। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ, सर्जन की मैं बात कर देती हूँ। सर्जन डॉक्टर कौन बनते हैं? जो लोग सर्जरी वगैरह करते हैं। सर्जन डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पे ये जो मंगल का आंतरिक मंगल का ये जो पार्ट होता है और ये बाहरी मंगल का ये जो पार्ट होता है ये पूरा उठा हुआ होना चाहिए। मैं फिर से ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो आंतरिक मंगल यहाँ पर होता है, ये बाहरी मंगल यहाँ पर होता है, ये मंगल का ये जो पोजीशन होता है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, उठे हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कटी फटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मंगल मंगल का ये जो पार्ट है, मंगल के पार्ट से अगर कोई रेखा निकल के अगर सूर्य की तरफ जाती है तो ऐसा जो जातक सर्जन बनता है बहुत ही जो है फेमस सर्जन बनता है। और इसको बहुत टेक्निकल तरीके से जो है नॉलेज भी होती है, हर पेशेंट की जो है बहुत अच्छी से, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ऐसे जातकों को, और काम करते करते भी एक्सपीरियंस आ जाता है। और यहाँ पर एक रेखा अगर यहाँ मंगल से एक रेखा अगर ऐसे निकल के जा रही है, जीवन रेखा को काटते हुए आंतरिक मंगल की ओर अगर जा रही है, तो ऐसे जातक भी जो है भविष्य में आगे चल के सर्जन ही होते हैं, और जो सर्जन होते हैं उनके हाथ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो सर्जन जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है अपना ट्रीटमेंट जो भी मतलब जो भी व्यक्ति का ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको डर वगैरह नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। जब भी जो भी जातक सर्जन बनेगा, ठीक है, उस बच्चे के अंदर जब भी वो सर्जन डॉक्टर बनने भी जाता है तो उसके अंदर क्वालिटी ऑटोमेटिक नज़र आ जाती है, उसको ब्लड वगैरह से डर नहीं लगता। जिसको डर नहीं लगता है, खून वगैरह देख करके डरते नहीं, वही जो है सर्जन डॉक्टर बन पाते हैं ऐसे जातक, ठीक है। ऐसी कौन सी रेखा होती है जिससे जो है बहुत ही फेमस डॉक्टर बन जाते हैं? यहाँ पर फेमस डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर ये जो बृहस्पति का माउंट है, यहाँ पर बृहस्पति माउंट जो है अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए। और बृहस्पति माउंट पर यहाँ पर अगर ये अगर बृहस्पति माउंट पर ऐसे जो है सर्कल ऐसे ये चौकोर से अगर ये बॉक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, वर्गाकार का अगर बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर होते हैं उनके ही हाथ में ये ऐसे दिखाई देते हैं चिन्ह। एक चिन्ह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और दूसरा चिन्ह आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं बता देती हूँ, दूसरा चिन्ह आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, सूर्य माउंट पर देखने को मिलेगा, दो जगह माउंट पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो फेमस डॉक्टर होते हैं उनकी जो रेखाएं होती हैं ऐसे भी निकलती हैं, यहाँ सूर्य से निकल के ऐसे जाकर और ऐसे जाके टच करती हैं, ऐसे जाके टच करती वी आकार में भी पाया जाता है।
ऐसे भी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, और ऐसे जातकों के पास जो है दो तीन जो है हॉस्पिटल, इनके खुद के भी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी में भी ये काम करते हैं, इनका खुद के भी हॉस्पिटल आगे चल के डाल लेते हैं ऐसे जातक। ठीक है, तो चलिए आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताना चाहा कि सर्जन डॉक्टर कैसे आप पहचान सकते हैं कि मैं सर्जन डॉक्टर बनूंगा या ओनली डॉक्टर ही बनूंगा। डॉक्टर बनने के लिए एक सबसे अच्छा जो प्लैनेट है जिसको सब लोग बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, लेकिन डॉक्टरी लाइन में वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राहु का और मंगल का। राहु और मंगल का बहुत दसम भाव में कैसी क्या पोजीशन है, दृष्टि कहाँ पर क्या है कुंडली में, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिन लोगों की कुंडली में, अगर कुंडली जिनकी नहीं बनी है तो वो हथेली देख करके भी पहचान सकते हैं। चलिए आज के विषय यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज्योतिष के प्रति जागरूक हो सके, और जो लोग अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो लोग स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फीस आप लोग पेटीएम कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं या बैंक में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए आज के विषय यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, राधे राधे।